हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे ग्रेट नॉर्थ्स हाउ विल दे अनफोल्ड माइग्रेशन मिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये ग्रेट नॉर्थ्स न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली केरला के कोस्टल एरिया में ग्रेट नॉर्थ बर्ड्स को फाउंड किया गया है और इन्हें फाउंड करने का क्रेडिट जाता है केरला में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में एक बर्ड वॉच एक्सपीडिशन चल रहा था, उन्हीं लोगों ने इन्हें फाउंड किया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रेट नॉर्थ्स आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे रिलेटेड जो मिस्ट्री की बात की जा रही है वो क्या है, कि करके इन सारी बातों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले जरा हम ग्रेट नॉर्थ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर ग्रेट नॉर्थ्स की बात करें तो ये एक बर्ड होता है जिसे आप देख सकते हैं इमेज में। ये बेसिकली बिलोंग करता है रसिया से, रसिया में भी यहाँ पर जो नॉर्दर्न पार्ट है रसिया का, जहाँ पर जो नॉर्दर्न साइबेरिया है, जो टुंड्रा रीजन हम बात करते हैं, वहाँ पर इनका ब्रीडिंग हैबिटेट होता है। बेसिकली ये वहीं बिलोंग से बिलोंग करते हैं और उसके बाद ये माइग्रेशन करते रहते हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि ये अक्रॉस 9000 किलोमीटर का माइग्रेशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 9000 किलोमीटर के माइग्रेशन में ये जो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, खास करके जो फ्लाई जोन है, जो सेंट्रल एशिया फ्लाई जोन जिसे हम बात करते हैं, उसे कवर करते हैं। और उसके बाद इंडिया के कुछ पार्ट में, जैसे कि ये केरला हो गया, जो वेस्टर्न कोस्टल पार्ट है, केरला हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर रुकते हैं। इसके बाद इनके विषय में कहा जाता है कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, यहाँ पर कुछ दिनों तक रुकते हैं और लास्टली इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है ये होस्टल रीजन होते हैं वहाँ पर। तो अभी तक क्या होता था, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यही थी कि इनके जो माइग्रेशन है इससे रिलेटेड मिस्ट्री, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जरा और बातों को समझ लेते हैं। देखिए, अगर इसकी बात करें तो इन्हें जो IUCN के रेड लिस्ट है उसमें एज ए इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें 2016 में एज ए इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया था। तब से इन्हें स्पेशली इन्हें वॉच किया जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में कहा जाता है कि बहुत जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। और बेसिकली बिलोंग ऐसे रीजन से करते हैं जो साइबेरियन रीजन है, वहाँ से लेकर इनके 9000 किलोमीटर का जो माइग्रेशन है वो हमेशा से ही एक मिस्ट्री बना रहता है। तो अब ये जरा मिस्ट्री क्या है उसको जरा समझ देखिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अभी तक क्या होता था, इनके जो रूट हैं वो एक्चुअली डिसाइड नहीं हो पाते थे। अभी तक जितने भी बर्ड वॉचर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ये होता था कि ये आखिर ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचते कैसे हैं। कुछ लोगों का मानना था कि ये इस रीजन को, जो चाइना वाला रीजन है, इस जो रूट को कवर करते हैं और यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को कवर करते हैं। बट जो करंट में जो रिसर्च हुआ है, जो बर्ड वॉचर कर रहे हैं इंडिया और रशिया से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनका रिसर्च यही कहता है कि ये जो सेंट्रल एशिया का फ्लाईवे है उस रास्ते को कवर करते हैं और वहाँ से कवर करते हुए ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आते हैं, जहाँ पर मेनली इनका डेस्टिनेशन क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो रशिया से बिलोंग करते हैं। इनके इंडेंजर्ड कैटेगरी क्या है, मतलब IUCN के लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड रखा गया है 2016 से, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। और हाल फिलहाल में केरला में और गुजरात में भी इन्हें देखा गया है, तो मे भी आने वाले कभी प्री में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।